जम्मू में फ्लाईओवर के ऊपर एक माइनर सा एक्सीडेंट हुआ। हुआ ये कि यहाँ से एक गाड़ी जा रही थी और गाड़ी जो है उस पर डोडा का नंबर है JK06 है। गाड़ी यहाँ से चल रही थी, पीछे से आर्मी का ट्रक आ रहा था और आर्मी के ही लोगों का ये कहना है कि इस व्यक्ति ने कट मारने की कोशिश की, जिसकी वजह से ट्रक गाड़ी के साथ टकरा गया और गाड़ी जो है वो बिल्कुल टर्न करके, आप देख सकते हैं वहाँ पर कि गाड़ी जो है वो डिवाइडर के ऊपर चढ़ी हुई है। यहाँ पर इस समय ट्रैफिक पुलिसकर्मी जो है वो इंश्योर कर रहे हैं कि गाड़ियों को यहाँ से निकाला जाए ताकि ट्रैफिक का जाम ना लगे, लेकिन उसके बावजूद भी एक लंबा जाम जो है यहाँ पर लग गया है। हुआ ये है कि आप ध्यान से मेरे पीछे देखें कि यहाँ पर जहाँ पर आर्मी का ट्रक है उसके बिल्कुल साथ में गाड़ी जो है वो बिल्कुल डिवाइडर के ऊपर चढ़ चुकी है। जो ड्राइवर है उनका ये कहना है कि गाड़ी अगर स्पीड में होती है, गाड़ी अगर जो है उसको जब टक्कर लगी उसके बाद गाड़ी जो है वो मुड़ी है, लेकिन आर्मी के कर्मियों का ये कहना कि गाड़ी ने कट पाने की कोशिश की जिसकी वजह से जो है टकराव हुई है। गाड़ी को ज़्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचा है लेकिन थोड़े बहुत नुकसान ज़रूर हुआ है। जो ड्राइवर है वो फिलहाल बिल्कुल सेफ हैं, कोई इंजरीज नहीं आई हैं अभी तक, कोई भी इस एक्सीडेंट में ज़ख्मी नहीं हुआ है। तभी मैंने कहा कि माइनर एक्सीडेंट जो है वो बताया जा रहा है। आर्मी के जवान यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं, ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर मौजूद है जाम निकलवाने के लिए, लेकिन फिलहाल आप गाड़ी देख सकते हैं कि गाड़ी अभी भी डिवाइडर के ऊपर है। अभी गाड़ी को यहाँ से हटाया जाएगा लेकिन गाड़ी को ज़्यादा नुकसान जो है वो नहीं आया है। इससे साफ पता चलता है कि एक्सीडेंट मेजर एक्सीडेंट नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी दो पर्सपेक्टिव जो सुनने को मिल रहे हैं वो ये सुनने को मिल रहे हैं कि आर्मी का ट्रक जा रहा था, ये गाड़ी जिसका नंबर आपको बता दें JK06A7605 गाड़ी का नंबर है, ये गाड़ी सामने थी, गाड़ी के साथ टक्कर जो है वो इस ट्रक की बजी और वो आप देख सकते हैं कि ये साफ दिख रहा है कि यहाँ पर जो है गाड़ी को टक्कर बजी थी, लेकिन मेजर एक्सीडेंट नहीं है। और जम्मू के फ्लाईओवर के ऊपर मेजर एक्सीडेंट नहीं है और जो लोग हैं यानी कि जो व्यक्ति ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा था वो सेफ है, उसे ज़्यादा चोट नहीं आई है। दोनों से मैंने बात करने की कोशिश की लेकिन इस समय वो बात नहीं कर पाए। अभी इस समय जम्मू के फ्लाईओवर के ऊपर एक हैवी रश जो है वो देखने को मिल रहा है, जाम जो है वो केवल इस गाड़ी की वजह से लग चुका है। आर्मी का ट्रक आपने देखा कि वो यहाँ से निकल चुके हैं, अब गाड़ी को भी यहाँ से रिमूव करने की कोशिश की जाएगी। आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक पुलिस वाले पूरी कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि जाम यहाँ से जो है वो निकाले जाए। कोशिश करेंगे कि ये जो ड्राइवर है उनसे अगर बात हो पाए। अब बताएंगे कि हुआ क्या था पूरा मामला। देखिए अब वो बात नहीं करना चाहते लेकिन आप देख सकते हैं कि गाड़ी इन्हीं की थी, गाड़ी को जो है वो नुकसान हुआ है। लेकिन ये तो यहाँ मौजूद नहीं ना थे, गाड़ी तो आपकी है ना, ये खुद बता रहे हैं ना। गाड़ी तेजी से चल रही थी या गाड़ी नॉर्मल से चल रही थी? बिल्कुल प्यार से चल रही थी, बिल्कुल प्यार से चल रही थी। ट्रक जो है उसने पीछे से आगे, ट्रक ने पीछे से ठोक दिया गाड़ी, तभी गाड़ी फिसल के साइड पे लग गई। गाड़ी किसी को कोई चोट तो नहीं आई है? किसी को नहीं। आपके साथ और भी कोई था गाड़ी में? जी मैम है, नाम नहीं बोल पाता, बोल सकूंगा? नहीं वो ठीक है, इस समय किसी को चोट तो नहीं आई है। अभी आर्मी वालों आपसे बातचीत कर रहे थे, उन्होंने क्या कहा? मैम कुछ नहीं बोला, भाग गए भाग गए। पुलिसकर्मी भी यहाँ पे थे? पुलिस थी इधर, मर गाड़ी लेके भाग गए वो। पुलिसकर्मियों ने भी कुछ नहीं कहा? कुछ नहीं कहा। अब आप क्या चाहते हैं कि आपकी गाड़ी का तो नुकसान हुआ है? बहुत ज्यादा नुकसान हुआ मैम, बहुत ज्यादा मैम हुआ नुकसान। अब आप खुद देख रही हो कितना नुकसान हुआ गाड़ी का। तो पुलिस ने आपसे कोई बात की मुआवजे को लेकर? एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट की रिपोर्ट तो उन्हें करनी पड़ेगी। कुछ नहीं मैम किया, कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। तो आप सुन सकते हैं साफ तौर पर इनका कहना है कि एक्सीडेंट यहाँ पर हुआ, ट्रक जो था आर्मी का वो यहाँ से जा चुका है। आपने आर्मी के ट्रक को भी यहाँ से जाते हुए देखा जिस टाइम पर एक्सीडेंट हुआ। आर्मी के जवान यहाँ पर थे, पुलिसकर्मी यहाँ पर पहुँच चुके थे, ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ पर थी, लेकिन ये जो गाड़ी के मालिक है इनका खुद का कहना है कि मेरी किसी ने नहीं सुनी, गलती जो है वो आर्मी के ट्रक की थी, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे ये कहा गया कि गलती तुम्हारी है और अब आर्मी का ट्रक तो यहाँ से जा चुका है, मेरी गाड़ी का जो नुकसान होना था वो हो चुका है। अब ध्यान से यहाँ पर देखें कि ये गाड़ी का जो है वो नुकसान हो चुका है और गाड़ी का जो मालिक है वो अभी भी इस तरह पे है। जितना जाम इस माइनर एक्सीडेंट की वजह से इस फ्लाईओवर के ऊपर लग चुका है, पीछे ध्यान से देखिए कि लंबी कतार गाड़ियों की जो है इकट्ठी हो चुकी है। ये सारा जाम जो है इसी वजह से, क्योंकि ये छोटा सा एक्सीडेंट जो है वो यहाँ पर हुआ था। अब देखना ये है कि इन्होंने तो कहा कि गलती आर्मी की थी, क्या इस गाड़ी के नुकसान का कोई मुआवजा मिलेगा? क्या जो पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद थे, एक्सीडेंट है, वो रिपोर्ट में क्या लिखेंगे कि आखिर हुआ क्या था और गलती किसकी थी?